दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने डिश टीवी में पेरेंट अनलॉक या फिर कहीं चैनल लॉक का पासवर्ड लगाना बताया था कि उसमें आप चैनल लॉक में पासवर्ड कैसे लगा सकते हैं, और जिस पे मेरे को काफ़ी आप लोगों का प्यार भी मिला था। बट दोस्तों काफ़ी लोगों के सवाल भी आए थे तो क्या सर हम इसके अंदर अपना पासवर्ड को जो हमने लगाया है जो बाई डिफॉल्ट है 1234 उसको चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपका भी यही सवाल है तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष, आप देख रहे हैं डिकोड मनीष। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करने से मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि हम अपने डिश टीवी सेटअप बॉक्स का जो पेरेंटल लॉक है या फिर कहीं चैनल लॉक का जो पासवर्ड है उसे चेंज कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों इसका जवाब है आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अब आप परेशान हो गएंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसके पीछे काफ़ी रिसर्च करी क्योंकि जब मैंने वो वीडियो बनाई थी पासवर्ड आप कैसे लगा सकते हैं अपने चैनल के ऊपर, तो मुझे भी नहीं पता था कि उसके अंदर मतलब पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन है ही नहीं। क्योंकि और आप लोगों ने भी देखा, कोशिश करके देखी होगी और उसके अंदर तभी आप ये वीडियो देख रहे हो कि आप मतलब पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं। आप इस वीडियो पर क्लिक कराया आपने और जानना चाह रहे हैं तो आपने भी कोशिश करी होगी, आपको वो ऑप्शन नज़र ही नहीं आया होगा। पर कुछ कुछ सेटअप बॉक्स में वो नज़र आ रहा होगा। अब वो कौन से सेटअप बॉक्स हैं जिन पे नज़र आ रहा होगा? वो होंगे जिनका सॉफ्टवेयर अपडेट ही नहीं हुआ है, वो पुराने सॉफ्टवेयर पे ही काम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जो मेन कारण जो मुझे देखने को मिला, क्योंकि दोस्तों मैं ही आपको बताऊँ, मैं पिछले जब मैंने वीडियो बनाई थी तो मैंने कोशिश यही करता हूँ कि जैसे ही अगर मैंने इस वीडियो को बनाया तो उसके अगला पार्ट बना दूँ। बट वहाँ पे उसका मैं काफ़ी ट्राई करता रहा, काफ़ी मैंने देखा, काफ़ी मतलब अपने दोस्तों से पूछा कि भाई कैसे होता है कैसे होता है, पर किसी को भी इसका जवाब नहीं मिला। मैंने यहाँ तक कि डिश टीवी में कॉल किया, डिश टीवी के सर्विस सेंटर में भी जाके बात करी, किसी को इसका जवाब ही नहीं पता। जबकि उनका डिश टीवी वालों ने ही अपना प्रोडक्ट बनाया, उन्हें यही नहीं पता कि इसके अंदर हमने पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन क्यों नहीं रखा, उन्हें यही नहीं पता। ये मैं समस्या ही बाहर आ गई, जबकि उन्हीं का प्रोडक्ट है, उन्होंने ही बनाया। तो दोस्तों मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है आपका पासवर्ड चेंज करने के लिए? तो दोस्तों जब मैं डिश टीवी के सर्विस सेंटर में गया था तो वहाँ मेरा फ्रेंड काम करता है, तो वहाँ पे मैंने उससे बोला, मैंने कहा यार मुझे ऐसा दे दे या कोई मतलब एक दो साल पुराना मुझे सेटअप बॉक्स दे दे जो मतलब सेम मॉडल का हो, और मुझे बस उसको एक बार चेक करना है कि कहीं कोई मतलब कोई अलग तो नहीं है सेटअप बॉक्स में, कोई कमी तो नहीं है। तो उसने कहा कि यार मेरे स्टोर में रखे हुए पर अलाउड नहीं करेंगे वो बाहर ले जाने के लिए या उसकी वीडियो बनाने के लिए। मैंने कहा तू बस मुझे दिखा दे, मैं देख लूंगा तो मेरे को पता चल जाएगा उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। तो मैंने उसको उसने कहा कि दो दिन के बाद आना, तो मैं दो दिन के बाद गया, उसने वो निकाल के रखा हुआ था पुराना, दो तीन रखे हुए थे उसने, पर वो दो खराब थे, एक काम कर रहा था पर उसका रिमोट काम नहीं कर रहा था, वो सिर्फ बटन से ही काम कर रहा था वो। तो मैंने उसको लगाया, मॉडल मतलब यही सेम मॉडल था, D7000D था मॉडल वो, और वो यूज़ करा। बट उसके अंदर जो चीज़ मैंने देखी दोस्तों, उसके अंदर वो पेरेंटल लॉक का पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन था, बट मैंने उसका जो लुक वाइज देखा उस वो कुछ अलग था, वो डिफरेंट था, बिल्कुल डिफरेंट था। मतलब जो सॉफ्टवेयर था वो डिफरेंट था, डिफरेंट तरीके से काम कर रहा था वहाँ पे। क्योंकि अभी जब आप मेन्यू खोलते तो उसके नीचे पूरा एक बार आता है, उसमें कुछ इस तरीके की लाइन पे आता था कि आप यहाँ से इस ऑप्शन में जा सकते हैं, और अभी जब जाएंगे तो आप इस तरीके से आएंगे, इसमें आएगा मेन्यू, इसमें आएगा ऐप्स, इसके अंदर इस तरीके का आपको ऑप्शन आए। पहले आपका इस तरीके से आता था उस सॉफ्टवेयर में, और इसमें आपका इस तरीके से आ रहा था। तो ये सारी प्रॉब्लम थी आपकी। अब मैंने जब वहाँ पे चेक किया तो मैंने कहा मॉडल नंबर भी सही सेम है इसके अंदर भी, फिर मेरे को समझ में आया कि मैंने कहा इसका सॉफ्टवेयर पुराना है, और अब जो हमारे पास जो सेटअप बॉक्स है उसका हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट वर्जन का है, तो इस वजह से उसके अंदर वो ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि हमारा जो हमारा जो सेटअप बॉक्स है वो हमारा अपडेट वर्जन का है कि नहीं है? तो देखिए दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर आपका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ होगा तो आपके अंदर पेरेंटल चेंज का मतलब चैनल लॉक करने का पासवर्ड को चेंज करने का ऑप्शन दिया होगा उसके अंदर, ठीक है। और अगर आपका अपडेट वर्जन है तो मैं आपको बताऊँ आप कैसे करेंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए मैं यहाँ से इसको मेन्यू बटन प्रेस किया, अब आप देखेंगे चैनल लिखा आ रहा है, उसके बाद ऐप जोन, उसके अंदर ऐप जोन का ऑप्शन नहीं था, ठीक है। उसके बाद आप माई डिश टीवी में जाएंगे तो उसके अंदर ये Amazon Alexa सेटिंग और BT रिमोट डिटेल्स नहीं था, ये सारे पुराने सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं है ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि आपका सॉफ्टवेयर अपडेट है कि नहीं है। तो दोस्तों आपने एक चीज देखी भी होगी, आप कभी भी डिश टीवी की वेबसाइट पर जाइए, डिश टीवी की एडवर्टाइजमेंट भी आती होगी उसके अंदर, तो वहां पर आपको दिखता होगा इन्होंने दो प्रोडक्ट निकाले हैं, डिश टीवी स्मार्ट किट और डिश टीवी हब, जिसके अंदर हम OTT कंटेंट देख सकते हैं, यानी कि Amazon Flex और ये Z5 ये सारे हम चीजें देख सकते हैं, उसके वो चार्ज लेते हैं। वो सॉफ्टवेयर दोस्तों इसके लिए बनाया था कि वो मतलब इस प्रोडक्ट को काम कर सके, इस प्रोडक्ट पे ये सॉफ्टवेयर काम कर सके। तो अब अगर हम वो लगा अपना जो अगर हम वो खरीदते हैं उनसे 1100 रुपए का, या वो OTT कंटेंट का वो USB प्लग लेते हैं,
तो अगर हम इस सॉफ्टवेयर पे काम मतलब इस सेटअप बॉक्स पे काम करते हैं तो वो इजीली काम करने लगेगा क्योंकि इसके अंदर हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट है। बट पासवर्ड चेंज करने का जो है वो मेरे को समझ में नहीं आया, पर मुझे जहां तक लगा वो इसीलिए है कि अगर वो सॉफ्टवेयर हमारा अपडेट है इसीलिए। अब मैंने डिस्ट्रिक्ट वालों से भी काफी बात करी कि सर हमें मुझे ये तो बताइए कि आपने चलो ठीक है सॉफ्टवेयर अपडेट करा, पर इसमें से आपने पेरेंटल चेंज का ऑप्शन क्यों हटा दिया, उन्हें भी ये नहीं पता। तो दोस्तों अब सारी चीजें सोच समझ के जो मेरे ये था वो मैंने आपको इस वीडियो में आपको बता दिया, और अब आपको समझ में भी आ गया होगा कि आप इसका पासवर्ड चेंज कर सकते भी हैं या नहीं कर सकते। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।